दोस्तों, क्या सपने सच होते हैं ये हमें नहीं पता था। एक सपना हम तीन दोस्तों ने भी देखा था, सपना स्पीति जाने का। सपना वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम से घर लेटर पोस्ट करने का। एक सपना वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज कॉमिक जाकर कुछ सुकून के पल बिताने का। सपना वर्ल्ड के फॉसिल विलेज लांगजक में जाकर 150 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स को देखने का। कहते हैं कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वह ज़रूर सच होती है। दिल्ली से सफ़र शुरू किए हमें 6 दिन हो चुके थे और आज हमारा सपना सच होने जा रहा था। वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो इस समय हम लोग हैं काजा में और आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो कल हम लोग गए थे की मोनेस्ट्री और चीचम ब्रिज। आज जो हमने एक्सप्लोर करना है वो विलेज एक्सप्लोर करना है लांगजा विलेज, जहाँ पे बुद्धा की बहुत बड़ी स्टैचू है, एक हिक्किम है जहाँ पे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है और एक कॉमिक भी है जो की हाईएस्ट विलेज है हैबिटेट, वो एक्सप्लोर हम करने वाले हैं आज। चलिए जर्नी को बढ़ाते हैं आगे। आपको थोड़ा सा अपना रूम दिखा देता हूँ, होटल दिखा देता हूँ किसमें हम रुके थे। देखिए ये कुछ होटल था, होटल खांगसर, इसमें हमें रूम मिला था। रूम की भाई रेट था 3,000 रुपये, क्यों तरन जी? बिल्कुल जी, बट क्वालिटी नहीं थी, लेकिन क्योंकि मारा मारी इतनी थी कि जो रूम मिला हमने पकड़ लिया, ठीक ठाक सा टाइम पास हो गया भाई। कुछ ये इस तरह का था अपना रात का ठिकाना, गुजारने लायक जो थी रात गुजारने लायक थोड़ा सा जुगाड़ हो गया था। रूम इतना कुछ नीट एंड ग्रीन नहीं था, कुर्सियाँ भी देखेंगे तो कपड़ा वगैरह पुराना था, बट काम चल गया भाई। काजा में कल बहुत आफत थी, 2-3 दिन से बहुत ही आफत है, कोई भी रूम वगैरह किसी को नहीं मिल रहा है। ये बाथरूम था बड़ा था, लाइट बंद कर देते हैं, बट ये है कि काम चल गया, रात निकल गई। और ये हमारा सामने से देखेंगे ना, ये हमारा व्यू है इधर का। लेफ्ट साइड में जो है पेट्रोल पंप है यहाँ पे काजा वाला, और इधर BSNL का ऑफिस, और इधर जितने भी जो काजा के ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट, वो इस साइड सामने पड़ते हैं जी। आज का जो हमारा प्लान है ना, अभी इस समय हम लोग हैं काजा, फिर अभी जाएंगे लांगजा हिक्किम कॉमिक, ये घूमेंगे, और इसके बाद अपन लोगों ने बढ़ जाना है, इधर वापसी आना है रंगरिक होते हुए, हुल होते हुए, और यहाँ हम पहुँच जाएंगे लोसर। और लोसर पहुंचने के लिए हम जा सकते हैं वाया चीचम ब्रिज होते हुए भी। देखिए की मोनेस्ट्री, चीचम ब्रिज और वापसी रास्ता, दोनों रास्ते जो है ना ये वाले यहाँ मिल जाते हैं और लोसर पहुंच जाते हैं। तो कल हम यहाँ तक गए थे, तो आज इस रास्ते से जाएंगे और लोसर पहुंच के आज का हॉल्ट हम लोसर करेंगे। फाइनली दोस्तों हो गए रेडी अपन लोग, और तीन जो मुख्य पॉइंट है काजा के, लांगजा हिक्किम एंड कॉमिक, वो घूमेंगे, उसको घूम घाम के आते हैं, फिर देखते हैं पेट्रोल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। कल रात को अपन लोगों ने टैंक तो फुल करा लिया था, अब क्योंकि मनाली वापस होते मनाली से जाना, तो ये हमें देखना होगा कि कितना हमारे को पेट्रोल अभी कंज्यूम होता है, तो दोबारा हो सका टाइम लगा दोबारा फिर फुल करा के फिर ही निकलेंगे यहाँ से, उससे पहले नहीं निकलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं होम स्टे से अपने। समय अभी देख सकते हैं 10:15 हो रहा है, तो थोड़ा आपको भी आइडिया लग जाएगा कि कितने समय में आप ये तीनों पॉइंट कवर कर सकते हैं। तो 10:15 हो रहा है, तो फिर अब देखते हैं कितने बजे तक वापसी आते हैं, तो थोड़ा फिर आपको भी उससे अंदाजा होगा। देखिए अब कोई ग्रुप आ रखा पूरा इकट्ठा पड़ा था, बाइकर ग्रुप, ये आ गया जी बोर्ड। अब देखिए लांगजा के ले जाना है सीधा और कॉमिक के ले जाना है राइट, तो पहले हम लोग जाएंगे लांगजा, लांगजा से जाएंगे फिर कॉमिक, और कॉमिक से हिक्किम आ जाएंगे। जब आप काजा से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपको काफ़ी पथरीले पहाड़ दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे तो नज़ारे सुंदर होते जाएंगे, और पथरीले पहाड़ कब हरे भरे पहाड़ बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जी अभी थोड़ी देर के लिए रुके हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा व्यू आ गया था, और पीछे देखेंगे तो मेरा पूरा जो है ना, मतलब अभी थोड़ी देर पहले तक तो पूरे पथरीले रॉकी माउंटेन्स थे, और अभी मेरे पीछे देखोगे तो पूरा ग्रीन ग्रासलैंड मीडो टाइप आ गया। तो देखो एकदम से जो है ना ज्योग्राफी बदल गई, थोड़ा ऊपर आती लांगजा की तरफ पूरी ज्योग्राफी बदल गई। यहाँ पे देखेंगे तो बोर्ड लगा हुआ है कॉमिक 11 किलोमीटर है, इधर दोनों भाई लोग जो है फोटोग्राफी कर रहे हैं, फोटो वगैरह खींच रहे हैं, तो हम भी थोड़ी फोटोग्राफी चाहेंगे। उधर पूरा देखेंगे स्नो कैप माउंटेन्स है, उधर ठंड बहुत है भाई बार। मतलब अभी हम लोग जब कहा थे अभी बज रहे हैं 11, धूप थी तेज लग रही थी, जैसे ऊपर इस ग्रासलैंड में आए हैं ठंड का एहसास हुआ, बहुत ठंडी हवा चल रही है। चलो बढ़ते हैं समय को ना वेस्ट करते हुए, और सामने बहुत ही सुंदर देखो व्यू आ रहा है, लैंडस्केप अच्छा आ रहा है। ये देखो दोस्तों पूरा का पूरा जो है ना कैटल का जो है ना हर्ड पूरा ग्रेजिंग कर रहा है, मैंने बताया था ना ग्रासलैंड है पूरा। और देखो पीछे से जो गाड़ियाँ भी काफ़ी आने लगी हैं लांगजा के लिए भाई, तो बढ़ते हैं उससे पहले काफ़ी भीड़ हो जाए। इन हरे भरे बुग्यालों से गुजरना एक सुखद अनुभव था, स्पीति में आपको इस तरह के बुग्याल
काजा में ही इसी पॉइंट पर मिलेंगे। कभी ये बादल हमसे ऊपर थे और कभी बादल हमसे नीचे थे, और बादलों की इन्हीं चहलकदमी के साथ हम लोग पहुंच गए लांगजा की पार्किंग में। जी भैया जी, कितने लोग आप लोग? हम लोग है जी 3 लोग। 60 रुपीज फीस है हमारी पर पर्सन। तो दोस्तों 30 रुपए पर पर्सन आपको टिकट लेनी पड़ेगी। पार्किंग भी आ गया, चलो ठीक है, थैंक यू। पहले ये टिकट नहीं था भाई, पहले फ्री थी यहाँ पे एंट्री, बता दूँ आपको। अभी क्योंकि टूरिस्ट बढ़ने लगा है तो भाई थोड़ा सा ग्राम पंचायत को भी पैसा चाहिए। तो जी फाइनली पहुँच गए हम लोग लांगजा, और इधर देखेंगे तो ये पार्किंग की व्यवस्था है। इधर कुछ ये मेरे ख्याल से बना हुआ, अभी देख के आते हैं क्या बना हुआ है। पूरी पार्किंग है इधर, और टिकट अब लगने लगी है 30 रुपीज पर पर्सन आपकी टिकट लग जाएगी, और उसी के अंदर आपकी गाड़ी भी पार्क हो जाएगी। पार्किंग का कोई अलग से चार्ज नहीं है। और रास्ता बना हुआ है बुद्ध जी की स्टैचू जाने का, तो जगह बहुत ही सुंदर है यार। ठंडी जगह है, मतलब अभी नीचे थे ना काजा में तो गर्मी लग रही थी, बट इस समय 11 बज रहे हैं, धूप तेज है बट ठंड भी है। क्यों? क्योंकि हाइट पर है जगह, लगभग 4300 मीटर जो कि रोहतांग पास से भी ऊंचा होता है ना, उतनी हाइट पर है। तो ऑब्वियसली इतनी हाइट पर जब आप लोग होंगे ना आपको ठंड लगेगी लगेगी। कुछ जो है होम स्टे भी बने हुए हैं नीचे, आपको ना एक दो जो है कैफे वगैरह बने हुए, ताशी कैफे है यहाँ पे, तो आपको हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह, टी, मैगी वैगी, फ्राइड ऑमलेट वगैरह भी मिल जाएगा। भाई भीड़ देखो यार, कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे, तो जबरदस्त भीड़ है। और अभी आपको सामने से दिखाता हूँ नजारा, ये देखो ये लोकल विलेज है में लांगजा में, लोकल होम से आगे, ये देखो यार भीड़ देखो भाई। हाय, तो भाई भीड़ बहुत है यार, इतनी जबरदस्त भीड़ लग रही है कि सरोज नगर मार्केट में आएगा दिल्ली की, क्यों तरुण जी लग रहा है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल, अक्सर लोग ऐसी जगहों पे आते शांति प्राप्त करने, मतलब जब हम अर्लियर आए थे 2018 में तो मुश्किल से 2-4 ही टूरिस्ट थे। ये मैं बताना चाहूंगा, ये लांगजा जगह है और यहाँ पे जो स्टैचू है ये हाईएस्ट स्टैचू, मतलब हाईएस्ट जगह पे जो बना हुआ है। अच्छा, 35 फीट इसकी हाइट है टोटल, नीचे से ऊपर तक 35 फीट का है ये, और वैसे हाईएस्ट जगह पे बना हुआ स्टैचू। और इसका जो देखेंगे ना तो जो गौतम बुद्ध है इस तरह से सामने देख रहे हैं, और सामने वो फॉर्मेशन है से कैलाश पर्वत, तो ये एक अच्छी चीज है। तो इस तरह से बनाया गया, सामने से है गोल्डन कलर का, पीछे से जो है क्लोथ बनाए हुए गौतम बुद्ध को, और उस हिसाब से है ये। तो चले थोड़ा आगे बढ़े, हो गया काम कुछ तो खत्म हो गया। बिल्कुल, पर रात में शाम में तो यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल है, शाम में मुश्किल है, मौसम ठंडा भाई। ठीक है, मौसम अभी हवा चलने लगी थी तो हमें ठंड लगने लगी थी, अभी हवा बंद हो गई है तो कंफर्टेबल लग रहा है। और देखिए लोकल आर्टिसन जो है ना कुछ कुछ बना रहे हैं सामान, इनके कुछ खरीदना चाहें आप लोग तो खरीद सकते हैं, एक बार हम भी देखें कुछ तो ले। भाई तीनों ने स्टाइलबाजी कर ली है, ओए ओए, आई लव स्पीति, फुल स्टाइलबाज हो गया था तरुण। ये देखो मैं भी पहन लूंगा, मेरे को बनाओ वीडियो। चश्मा कहाँ है मेरा यार, स्टाइल कम हो गया मेरा, थोड़ा दिखा दो मेरी फोटो, दिखाओ भाई, देखिए मेरी दिखाओ भाई। और दो भाई ये ले लिए, ये 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 और ये, देखो इस तरह के जो है आर्टिस्ट बैठे हैं, तो जरूर आए तो इनसे कुछ ना कुछ खरीदें और मेहनत करें। भाई सांस फूलती है यहाँ पे, हाइट पर है ना तो सांस फूलती है। आराम आराम से चले, धीरे धीरे रेस्ट लेते हुए, फाइनली अब हम लोग पहुँच गए ऊपर और अब बढ़ेंगे यहाँ से आगे। अंदर आके एहसास हुआ भाई बढ़िया था, ये कुछ बना हुआ शायद, पता नहीं क्या बना, तो क्या बना हुआ, कैफे है। हाँ तो ये कैफे बना हुआ जी, और इसलिए है बहुत भीड़ लगी हुई है, कैफे भी है होम स्टे भी है। और ये पार्किंग के लिए ना पूरा राउंड अबाउट सा है, तो उस तरफ से हम लोग आए थे और यहाँ से जो है एग्जिट है, तो ठीक है व्यवस्था, ठीक है इस तरह की व्यवस्था होने से फिर जाम वगैरह नहीं लगता है, क्योंकि गाड़ी जो है आमने सामने आके नहीं अटकती है। ये देखिए यहाँ से हम अप कर जाएंगे एग्जिट, और ये ले जाएंगे लेफ्ट आगे कॉमिक के लिए।
लांगजा विजिट करने के बाद अब समय था कॉमिक की ओर बढ़ने का। कॉमिक की दूरी लांगजा से है 10 किलोमीटर दूर। रास्ते अब काफी अच्छे बन चुके हैं, सड़कें आपको बहुत ही अच्छी मिलेंगी और काफी स्मूथ मिलेंगी। इन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मिल जाता है, जहाँ की पूरे माउंटेन के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्लैट ग्राउंड था। तो हमें भी जो है यहाँ पर ऑफ रोडिंग का मन कर आता और हम भी अपनी अर्टिगा को ऑफ रोडिंग के लिए इस मैदान पर उतार देते हैं। तो दोस्तों आ गए हम लोग कॉमिक विलेज। यह दुनिया का सबसे हाईएस्ट विलेज है जहाँ पे कोई मोटरेबल लोड जाती है। तो ये खासियत है इस विलेज की, भीड़ भाड़ देखेंगे तो काफ़ी है यार। कुछ घर भी बने हुए हैं और बड़े बड़े ग्रुप आ रखे हैं, मतलब नहीं बसें भी आ रखी हैं। हिमाचल टूरिज्म यहाँ तो यहीं लगा दें, यहीं लगा देते हैं। तो जी फाइनली पहुँच गए हम लोग कॉमिक विलेज, बढ़ते हैं देख के आते हैं। चल, और उधर जो है मोनेस्ट्री टाइप भी बनी हुई है वो विजिट करते हैं। आओ भाई साहब आ जाओ, ये हमारे दोनों साथी लगे हुए हैं। तो यहाँ से कुछ देखेंगे तो कुछ होमस्टे टाइप लग रहा है मुझे, तो होमस्टे नहीं पूरा कुछ इस तरह से लग रहा है, क्योंकि बुद्धिस्ट है कुछ मोनेस्ट्री टाइप लग रहा है। और काफ़ी भीड़ है यार, मतलब काफ़ी ऑल ओवर इंडिया से ना लोग आ रखे हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, आंध्रा से, साउथ से, बहुत टूरिस्ट है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है यहाँ पे। ये रास्ता जो नीचे जा रहा है ना, ये जा रहा है कॉमिक विलेज की तरफ। वो नीचे देखेंगे तो पूरा कॉमिक विलेज है जहाँ पे जो है गांव के जो लोग हैं वो रहते हैं। यहाँ पे देखो कैसा भीड़ लगी हुई है उस बोर्ड के साथ फोटो खिंचवाने में, है तरुण जी? जी कितनी भीड़ लगी हुई है उस बोर्ड के साथ फोटो खिंचवाने में, जिस पे लिखा हुआ हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। इसकी हाइट दिखाऊं आपको, इसकी हाइट है 4587 मीटर। ट्रैफिक बहुत है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, जहाँ की पहले तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल से आते थे, अभी जो है बहुत ज्यादा टूरिस्ट आने लग गए हैं यहाँ पे। तो है ना यहाँ के जो 43वें गुरु हैं उन्होंने जो है, देखेंगे फोटो, उन्होंने ये बनाया हुआ है इसको। तो अंदर जो है पूरा प्रार्थना सभागार है, प्रार्थना वगैरह यहाँ जो है बुद्धिस्ट स्टूडेंट करते होंगे। भाई बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं कॉलेज के सामने, देखेंगे तो इस तरह के रूम बने हुए जहाँ बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स मॉन्क्स वगैरह रहते होंगे। ये हम एक तरह का प्रार्थना और साधना भवन है, जो उसमें आगे पीछे पीछे की तरफ में वो मंदिर है। और जैसा अभी आपको बाहर बताया था कि ये 43वें गुरु की उनके स्वागत के तौर पर बनाया गया था। और यहाँ पे जितने रूम्स देख रहे हैं आप काउंटिंग वाइज हैं, और आगे तक रूम्स हैं इनमें, और इनमें मॉन्क्स रहते हैं, उनके रुकने का स्थान है और वे अपनी साधना करते हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनल बौद्धिस्ट स्टाइल में बनाया गया है, कच्ची मिट्टी का है बिल्कुल। अच्छा हाँ, यस बिल्कुल कच्ची मिट्टी है, छत भी बिल्कुल उसी तरह की है। तो एक मिनी मोनेस्ट्री कह सकते हैं, वैसे गोम्पा भी बोलते हैं इसे शायद। और इनका जो धर्म चक्र का जो निशान होता है बुद्ध का, वो बिल्कुल देखो मंदिर के टॉप पे बनाया हुआ, साइड में दो हिरन है वो बनाया गया है। तो चलिए एक बार वॉक अराउंड करते हैं और दिखाते हैं किस तरह का ये जो बना हुआ है सभागार बुद्धिस्ट जो बना हुआ है। ये आपको नंबर वाइज कमरे दिखे हुए 25-26, पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल में ही बनी हुई है। पूरा नीचे देखेंगे तो मट्टी से लेप किया हुआ है। तो उधर बैल भी लगी हुई है, तरुण जी बैल है ना शायद, आई थिंक आगे शायद बुद्धिस्ट बैल है। और इधर जो है इनका जाने का रास्ता है, बड़े बड़े बड़ो। और ये है इनका प्रार्थना सभागार, पूजा जो है करते होंगे, क्यों तरुण जी पूजा की जगह का ना? जी जी प्रार्थना ग्रह है, तो हम भी नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। और देखिए इस तरह की जो ट्रेडिशनल जो बुद्धिस्ट पिक्चर्स हैं वो भी यहाँ पे लगी हुई हैं। और ये था सामने से हमने एंट्री की थी, यहाँ से आए थे। तरुण जी आगे क्या है? आगे बाहर जाने का रास्ता, पीछे फिर कुछ बना हुआ है मॉन्क्स के लिए। अच्छा अच्छा, उनकी किचन है मॉन्क्स अच्छा। की। और यहाँ से भी ऊपर जाने का रास्ता है। तो भाई प्रसाद वितरण हो रहा है यहाँ पे, हम लोग भी ले सकते हैं। तरुण जी तो मजा आ गया यार, है लोकल जो है भंडारा, क्या बोलते हैं इसको, साग बोलते हैं हमारे यहाँ तो, जैसे दिल्ली में बोलते हैं ना, सब बोलते हैं ना भंडारा बोलते हैं। नहीं नहीं ये सब्जी हाँ, आपको बोल प्रसाद, हाँ हमारे प्रसाद को बोलते हैं भंडारा। मजा आ गया, लोकल जो है ना लोकल फूड है,
लद्दाख वाला लेह वाला जो होता है ना उसी तरह से स्पीति में हमने मोनेस्ट्री थी और ये प्रसाद मिल रहा था तो उसी को एंजॉय कर रहे हैं और बाकी बातें करेंगे बाद में प्रसाद एंजॉय करते हैं। भाई बहुत ही स्वादिष्ट है इसमें देखिए चावल है छोले की सब्जी है प्याज की ये साग है और ये चटनी है टमाटर लहसुन की और ये अब बोलेंगे तो इसको एक खमीरी रोटी बोल सकते हैं नान टाइप बोल सकते हैं ना खमीरी रोटी सी है और तो भाई आनंद आ गया भंडारा खा के और प्लेट जो है वो हमें खुद ही साफ करनी होती है बहुत अच्छी ट्रेडिशन है यहाँ का लोकल जो है तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम लोग भंडारा खा के हमने प्लेटें साफ कर लिया तो ये वापस अब प्लेटें खाने हम जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे खाना हाँ और चाय चाय का इंतजाम है दोनों इंतजाम है बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी देसी फूड था टमाटर की चटनी खास ऊपर भी जो लोग एंजॉय कर रहे हैं लोकल्स और यहाँ पे देखिए चाय का इंतजाम भी है भाई खाने के साथ साथ जो है कुछ हर्बल टाइप है चाय का भी इंतजाम है यहाँ पे और साथ में एक वो पूड़ी टाइप भी कुछ है पूड़ी टाइप भी खाने के लिए जैसे तो चलो चाय का नाम लेते हैं फिर बढ़ते हैं पीछे मोनेस्ट्री वो देख के आते हैं तो चलो भाई चलो आगे चलते हैं सामने है कॉमिक गोम्पा और इधर बना हुआ जी अब क्योंकि वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है ये तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट हो गया कॉमिक का ये देखिए जी ये लिखा हुआ है वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक और जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं 4587 मीटर की हाइट पर जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं यहीं अपना मील एंजॉय कर रहे हैं तो एक बार चलते हैं की गोम्पा वो देख के आते हैं और फिर बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन सिक्किम। ये है म्यूजियम कॉमिक गोम्पा तो देखते हैं म्यूजियम कैसा दिखता है अंदर से और आपको भी दिखाते हैं। सांसें थोड़ी उखड़ रही हैं भाई सीढ़ी चढ़ने के कारण और ऑक्सीजन भी कमी है तो ये तरुण हमें ये कुछ फेस गेस्ट के लिए पीछे रूम्स बनाए गए हैं हमारे पीछे जो है अब दिखाता हूँ आपको म्यूजियम कॉमिक गोम्पा। देखिए ये है म्यूजियम कॉमिक गोम्पा और अब इसके अंदर जाएंगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं अवेलेबल और आपको भी दिखाते हैं। टूरिस्ट लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए जी ओपन है टिकट 50 रुपीज ओनली पर पर्सन टिकट काउंटर होगा अंदर। भाई तरुण जी ये है जी कॉमिक गोम्पा म्यूजियम इस तरह के देखिए याक बना हुआ है जो मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये इस एक ड्रेस है ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसका नाम है रालदरी जो आयरन से वुड से बनती है और टोटल इसका जो है हैंड हाथ से बनाया गया कब होता है। इसमें एक तलवार है और आप ये देख सकते हैं ये सारी चीजें इसमें हैं और ये बूट्स के लिए है। इसका बेसिक पर्पस ये रहता था कि जब किसी के कपल के कोई बेबी नहीं होता था तो वो ये पहन के और उनका जो देवी देवता होता है उसके आगे वो ये पहन के और परफॉर्म करता था और ये ट्रेडिशनल उनका होता माना जाता था कि वो उससे बाद उनको जो है बच्चे कंसीव कर पाएंगे। यस 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 डेफिनेटली ये इनके जो है लोकल्स बेल्स हैं जो ट्रेडिशंस हैं इनके जो शायद ये तो जानवरों के उस पर यूज करते हैं नहीं जानवरों पे ये जानवरों के ये देखो घोड़े पे बैठने के लिए जैसे घोड़े पे बैठने की यस मचान है। ये पूरा स्पीति तिब्बत किन्नौर मनाली ये पूरा मैप है और पूरा जो है इसकी फोटो खींचते हैं पहले और इधर देखेंगे तो ये लेदर बैग्स वगैरह दे रखे हैं ये कुछ पांव में पहनने के शूज हैं इस तरह में प्राचीन समय में जो है जो लोग यहाँ के पहनते होंगे ये बैग्स हैं ये कोट दिया हुआ है वुडन लद्दाखी कोट है इस तरह का जैसे लद्दाखी में ट्रेडिशन है सेम उस तरह का ही बना हुआ है। फोटो जिसने लिए हेनरी ली शटलवर्थ का है टाइम्स ऑफ इंडिया इलस्ट्रेटेड वीकली उसमें ये फोटो छपी थी। ये व्यक्ति जो है 1920 में आया होगा हेनरी ली करके जिन्होंने ये फोटो ली होगी 1920 14 अप्रैल 100 साल पहले है जी। और जो समझ रोड भी नहीं रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल 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 है कैसे वो ट्रैक करके वो जो पुराना हो रहा होगा पीछे उसकी आप फोटो देख सकते हैं इसमें और इसमें तो बर्फ भी पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा वो है फोर्ट है कि क्या है या फिर शायद से यहीं का ही है यहीं का ही है स्ट्रक्चर और ये यहाँ के पूरे जो है इनके मोमेंटम्स हैं इस सिर पे शायद पहनने का है मुकुट है इस तरह से पहनने का। तो दोस्तों ये जो फोटो है ना 1933 का है तो ये मोनेस्ट्री पहले सिक्किम में थी और बाद में शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गई है तो ये अभी हम जाएंगे ना सिक्किम तो वहाँ पे भी इसका रिमेन्स हमें दिखेगा और ये भी फोटो है इस तरह लगी हुई है और ये भी जो है वही सेम जो है ये वाला है। अभी हम सिक्किम जाएंगे ना रियस के रिमेन्स हमें देखेंगे तो क्योंकि उस समय हमें पानी की कमी थी बाद में फिर इसको मोनेस्ट्री को यहाँ कॉमिक में शिफ्ट कर दिया जैसे मैं जो है एक जो है लोकल्स ने बताया है इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखिए सब कुछ तो हमें भी नहीं पता होती। और ये देखिए उस समय के लोकल्स जो हैं यूटेंसिल्स हैं कड़छी हैं चमचे हैं पॉट्स हैं कैटल्स हैं बड़ी बड़ी कितनी बड़ी बड़ी कैटल्स हैं इस तरह की जो उस समय में यूज़ की जाती होंगी।
करो नहीं, ये देखो प्रेस। अरे वाह, है उस समय में देखी, उस समय की जो प्रेस है कोयले वाली, ये तो हमारे समय में हमने देखी यार, 20-30 साल पहले इस तरह की यूज किया जाती है, अभी भी यूज करते हैं लोग। ये तरुणी शायद ढोल नगाड़े हैं ना, और शहनाई टाइप है जो की बजाने के काम आते होंगे। उस समय पे जो है स्टैम्प्स यूज किया, ये इसको पेपर पे ऐसे लगाया, और ये इस स्टैम्प का ऊपर आप इम्प्रेशन देख सकते हैं, तो इस तरह की नीचे भी ये स्टैम्प्स दिखाई गई है। देखिए जी, ये मुखौटा दिया हुआ है, जहाँ जो जिनके जो लोकल्स फेस्टिवल होते हैं उसमें पहन के आपने देखा होगा लद्दाखी में, स्पीति फेस्टिवल में, तो इस तरह के मास्क पहन के डांस किए जाते हैं, और इस तरह की जो है अटायर है, वेशभूषा है जो लोग धारण करते हैं उस समय जो अपने लोकल फेस्टिवल्स मनाते हैं। देखिए ये जो है ना रेप्लिका बनाया गया है स्मॉल हॉर्स ऑफ स्पीति, और उसका नाम है टा, है ना, सुंदर लग रहा है। अंदर चलते जी। ओहो, बर्तन है, तो ये दिखाया गया है कि किस तरह से बर्तनों में अनाज वगैरह स्टोरेज किया जाता था, और किस तरह का ग्रेन वे यूज करते हैं, वो लिखा हुआ ग्रेन यूज करते थे बर्ले, और बड़े बड़े देखें कलश यहाँ रखे हुए, तांबे के होंगे तुरंत जी, पीतल, पीतल ऊपर तांबे के, नीचे ऊपर तांबे के, यस ये वाले तांबे के हैं और ये वाले पीतल के हैं। यहाँ ठंडा है, ठंडा तो है ही, आ जाओ मट्टी का है ना पूरा, आइए बाहर निकलते हैं। तो चलिए जी, ये था हमारा आज का टूर लांगजा विलेज और कॉमिक का। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपसे हिक्किम में, और उसके बाद हिक्किम के बाद हमारी जर्नी रहने वाली है लोसर के लिए। आज रात का स्टे लोसर में होगा, बिल्कुल लोसर में, वहाँ अगर कैंपिंग हो पाई तो कैंपिंग भी करेंगे, जो कि हमारा प्लान पहले से चल के आ रहा है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।